नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो देखिए, आज मैं एक नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ चोटी वाली कली की। तो आज वो बना के बताऊँगी कि कैसे बनेंगे। देखिए, मैंने दो कलर ले ली है और मैंने फंदा भी डाल लिया है। देखिए, मैंने ये इस कलर की, मैं पिंक कलर की, इसमें 15 फंदे डाल लिए हैं और ग्रीन वाले में 15 फंदे डाल लिए हैं। तो ये दोनों मिला के 30 फंदे हो गए। तो मैं आज ये बना के बताती हूँ जो कैसे बनेंगे। पहला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे और दूसरे में क्या करेंगे, एक फंदा हम इस तरह से बना लेंगे और फंदा धागा पीछे करके इसी में एक फंदे और बना लेंगे। तो ये एक फंदे से हम दो फंदे बना लिए। तो एक फंदा बढ़ गया इसमें। तो इसी तरह से ये फंदे इसमें बढ़ाऊंगी मैं और आगे की एक एक फंदे मैं बनाती चली जाऊंगी इस तरह से। देखिए, पूरी हो गई। ये लाइन मैंने कंप्लीट कर ली ग्रीन वाली। अब क्या करना है, ये पिंक वाली बनानी है। पिंक वाली बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से धागा हमें क्रॉस करना पड़ेगा, ग्रीन वाली ऊपर से और पिंक वाली नीचे से हम ऊपर लेके आएंगे। और इसी तरह से एक एक फंदे ये भी बना लेंगे। देखिए, अब ये लास्ट फंदा है और दो फंदे हम लास्ट के छोड़ देंगे। ये दो फंदा मैंने लास्ट के छोड़ दिए और यहीं से धागा पलट के और दूसरी साइड बना लेंगे। तो पहला फंदा मैंने उतार ली और इसी तरह से ये सारा फंदा मैं एक एक करके बना लूँगी। देखिए, अब ये बीच में आ गए। तो फिर से हमें धागा क्रॉस करना है। तो ये पिंक वाली पीछे करूँगी और ग्रीन वाली आगे, इस तरह से। इस तरह से हम खींच के इसको मिला लेंगे और इधर से भी धागा खींच देंगे ताकि ये दोनों ज्वाइंट हो जाए। और इसी तरह से एक फंदे करके हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, फिर मैं पहला फंदा उतार लूँगी। अब उल्टी साइड फिर से आ गई मैं और दूसरा इस तरह से बना लूँगी और इसे धागा पीछे करके इसी में फिर से हम दोबारा एक फंदा और बढ़ा लेंगे। तो दो बढ़ गए। फिर धागा अपनी तरफ करके और एक एक फंदे इसे बना लेना है। और फिर नीचे के साइड से हम दो फंदे छोड़ देंगे। फिर से हम धागा इस तरह से क्रॉस कर लेंगे और इसे हम बना लेंगे। जिस तरह से मैं दो फंदे नीचे छोड़ी थी उसी तरह से फिर हम दो फंदे छोड़ेंगे। देखिए, दो फंदे ये पहले का है, दो फंदे अब। फिर यहाँ से धागा हम पलट के और फिर हम सीधी साइड बना लेंगे। देखिए, एक फंदे रह गए हैं पिंक। तो फिर हम पिंक बना लिए पूरे और ये धागा क्रॉस करके और ग्रीन से बना लेंगे। तो हर सलाई में इसी तरह से हमें दोनों साइड से क्रॉस कर करके ही बनाना है। और एक एक फंदा ऊपर के साइड बढ़ाना है और नीचे के साइड से एक एक दो दो फंदे हमें छोड़ने हैं। तो मैं 5 फंदे बढ़ा लेती हूँ और दो दो करके मैं 10 फंदे छोड़ लेती हूँ। तो फिर मैं आगे आपको बता, देखिए फ्रेंड्स मैंने 5 फंदे बढ़ा लिए हैं इसमें और दो दो करके मैंने 10 फंदे इसमें छोड़ दिए हैं। देखिए मैंने 10 फंदे पीछे छोड़ दिए हैं। अब क्या करना है, 5 फंदे इसमें के और 5 फंदे इसमें के फिर हमें छोड़ना है। तो छोड़ना कैसे है, देखिए अब हम यहाँ कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। अब मैं फंदा नहीं बढ़ाऊँगी और इसी तरह से सादे सादे बना लूँगी यहाँ उल्टी उल्टी, और दो दो फंदे नीचे साइड से मैं छोड़ती जाऊँगी। देखिए 2 फंदे फिर मैं छोड़ रही हूँ। तो यहाँ कितने फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 फंदे हो गए। तो दूसरी बार में मैं ये छोड़ूंगी और तीसरी बार में एक फंदा ये और एक फंदा ये मिला के दोनों छोड़ूंगी। उसके बाद एक फंदे ये और एक फंदे ये छोड़ूंगी। तो इसी तरह से मैं 5 फंदे छोड़ दे रही हूँ उसमें से। फिर मैं आपको आगे की बताती हूँ। एक बार और देख लीजिए, यहाँ से मैं शुरुआत से कोई फंदा नहीं बढ़ाऊँगी, 5 सलाई बनाऊँगी। जो मैं 10 फंदे जो छोड़ूंगी उसमें मैं ये 5 सलाई बनाऊंगी। तो मैं कोई फंदा नहीं बढ़ाऊंगी और ना कोई फंदा घटाऊंगी, बस सादे सादे ही बनाना है। पहला फंदा उतार के इसी तरह से। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, जो ये यहाँ क्या करना है। तो मैं 5 सलाई बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। यहाँ 10 फंदे और छोड़ लेती हूँ दो दो करके, फिर मैं आगे बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये बना ली मैंने। तो देखिए मैं कितने फंदे छोड़े हैं ये मैं आपको बताती हूँ। 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 20 फंदे मैंने यहाँ से यहाँ तक छोड़े हैं। और रह गए यहाँ कितने फंदे, मैं ये भी गिनती करके बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14 1 15। तो 15 फंदे रह रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना है, देखिए मैंने 5 फंदे यहाँ से यहाँ तक बढ़ाए थे और 5 फंदे मैंने यहाँ 5 सलाई सीधी सीधी बनाई हूँ ताकि इसकी गुलाई आ जाए। से इसकी गुलाई आ गई। अब मैं यहाँ से एक एक फंदे जो बढ़ाए थे वो एक एक फंदे घटाऊँगी। तो देखिए कैसे घटाना है। यहाँ ये पहला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे और फंदा आगे कर धागा आगे करके, और इस तरह से जिस तरह से मैं बढ़ाई थी उसी तरह से ये 2 का 1 कर लेंगे अंदर से। और दो दो फंदा मैं छोड़ रही थी, तो दो दो फंदा अभी भी मैं छोड़ूंगी। तो 5 सलाई ये भी बनाऊंगी मैं। देखिए 2 फंदे फिर से मैं छोड़ के यहीं से लौट जाऊंगी और ये फंदा उतार के। तो इसी तरह से जिस तरह से मैंने एक एक फंदे बढ़ाए थे उसी तरह से एक एक फंदे घटाऊंगी और घटा के 5 फंदे फिर मैं आगे को बताऊंगी आपको। देखिए फिर से पहला फंदा मैं इस तरह से उतार लूँगी और ये आगे को करके धागा, और ये 2 का हम ये 2 का 1 हम कर लेंगे इस तरह से। देखिए अब तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ 1 फंदे पहले उतार लेना है, फिर 2 का 1 कर लेना है। और नीचे की साइड से हम 2 फंदा छोड़ते आए थे उसी तरह से हम छोड़ देंगे। देखिए 2 फंदे फिर से छोड़ दी और यहीं से पलट जाऊंगी। तो मैंने 2 फंदे घटा दिए और 4 फंदे छोड़ दिए हैं। बाकी के हम 3 फंदे और घटा लेते हैं और 6 फंदे छोड़ लेते हैं। उसके बाद मैं आगे को दिखाऊंगी। इस तरह से फंदे उतार लेना है पहला फंदा और 2 का 1 कर लेना है। ये ध्यान रहे फ्रेंड्स। तो मैं बना लेती हूँ आगे, फिर मैं आगे बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये हो गया मेरा कंप्लीट। तो जितने फंदे मैंने डाले थे उतने फंदे बच गए हैं। तो अब क्या करना है हमें, अब मैं इसमें चोटी बनाऊंगी। तो चोटी बनाने के लिए मैं ये धागा यहाँ तक लेके आऊँगी और यहीं से शुरुआत करनी है। तो पहला फंदा मैं उतार लूँगी और इसे मैं आगे कर लूँगी। और इस तरह से देखिए शुरू से ही मैं बनाऊँगी। सारे फंदे को हमें सीधे सीधे ही बनाने हैं इस तरह से। ये छोटे वाले डिजाइन मुझे डालनी है तो इस तरह से ही बनाना है। देखिए ये कंप्लीट होने जा रही है तो देख लीजिए। इसी तरह से ये पूरी सिलाई मैंने कंप्लीट करी है तो आप भी इसी तरह से आप बना सकते हैं। देखिए ये लाइन पूरा हो गया। अब क्या करना है, इस साइड से अब उल्टी बनाना है। पहला फंदा उतार लिया और ये धागा इधर करके और इसी जिस तरह से मैं उस साइड से बनाई उसी तरह से इस साइड से, तो ये चोटी बनती चली जाएगी। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, कोई मेहनती भी नहीं है ज़्यादा इसमें और ना कोई टाइम भी ज़्यादा इसमें लगती है और मन भी लगेगा इसमें बनाने में। और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है ये, तो आप ज़रूर बनाएं और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। देखिए इस तरह से ये चोटी तैयार हो जाएगी। तो बना लेती हूँ फिर दिखा। देखिए फ्रेंड्स ये तैयार हो गया, एक कली हम मैंने तैयार कर ली और एक चोटी भी बनके तैयार हो गई। अब क्या करना है, हमें धागा चेंज करनी है। तो पिंक वाली इधर लानी है और ग्रीन वाली इधर करनी है। तो वह कैसे करनी है देखिए, शुरुआत से ही हम इस तरह से करेंगे। एक सिलाई हम पूरे निकालेंगे इसे। और ग्रीन वाला धागा इस तरह से हम लेके चलेंगे। अब यहाँ से हम ग्रीन वाली लगा लेंगे। देखिए मैंने 15-15 फंदे बना लिए हैं। तो कलर चेंज हो गई है। देखिए मैं गिनती करके ही बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, 1 15। 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, 1 15। तो इसी तरह से अब एक कलर में एक सिलाई पूरी निकालूंगी इधर से सादी सादी। तो अब मैं पूरी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। जिस तरह से मैंने फंदा यहाँ से बढ़ाई थी उसी तरह से फिर इसे यहाँ से बढ़ेगी फंदा। तो मैं बढ़ा लेती हूँ, फिर पूरा बना के कंप्लीट करके बताऊँगी। देखिए दोस्तों मैंने ये बना के तैयार कर ली है, पूरा हो गया है कंप्लीट ये। तो देखिए इसमें कितनी कली तैयार हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कली तैयार हुई है। तो आप भी इस तरह से बना सकती हैं। इससे अगर बड़ा बनाएं तो 40 फंदे के बनाएं, मैं 30 फंदे के बनाई हूँ, तो और भी बड़े बन सकते हैं इसमें। और देखिए मैंने अभी फंदे इसमें बंद नहीं किए हैं, तो अब मैं बंद करूँगी। इधर से कंप्लीट करी थी एक सिलाई, मैंने दोनों कलर से निकाल ली है। अब क्या करूँगी, दोनों कलर से मैं इसे बंद करूँगी। 15 है, 15 फंदे मैं एक कलर से और 15 फंदे एक कलर से बंद करूँगी। तो देखिए इस तरह से ये बंद करूँगी। पूरी बंद कर लेती हूँ, फिर दिखा। अब देखिए आधे फंदे में पिंक कलर से घटाऊँगी, ये ग्रीन वाले घट गए हैं तो अब इससे मैं घटाऊँगी। तो ग्रीन वाले आगे धागा कर ली हूँ मैं, और पिंक वाली से अब घटाऊँगी, ये ग्रीन वाली अब पीछे कर दूँगी। अब इसी तरह से ये सारे फंदे घटा दूँगी। तो मैं घटा लेती हूँ सिल के, तो फिर मैं बता। देखिए मैंने कंप्लीट कर ली बना के सिल के। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं वो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। तो नमस्ते दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।